बर जिंदगी ला गढ़े बर, इन स्लोगनों से शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं का भविष्य गढ़ने का वादा करती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो इन बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। महासमुंद जिले में करीब 2000 शासकीय स्कूल संचालित हैं। इसके लिए शिक्षकों के कुल 7,797 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1,211 पद जारी हैं, जबकि 68 स्कूल ऐसे हैं जिनका खुद का भवन ही नहीं है, जबकि 122 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमलौर को 2 वर्ष पहले हाई स्कूल में बदल दिया गया था, लेकिन वहां आज तक शिक्षक की पद स्थापना ही नहीं हो पाई है। इससे परेशान बच्चों और पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया है। बच्चों का कहना है कि हम लोगों को 10वीं की बोर्ड परीक्षा देना है, पर हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, ऐसे में हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे, इसलिए मजबूरी में मोर्चा खोलना पड़ गया है। हम लोगों को मीडियम के सर लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, हफ्ते में एक दो पीरियड ही होता है। हाँ बस, बाकी समय हम खुद पढ़ते हैं। सर सर की मांग तो कई बार कर चुके हैं, कोई तो हमारा मदद नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं चलता है। और ऐसी है हाई स्कूल के, मतलब मिडिल स्कूल के टीचर लोग हाई स्कूल में ना ऐसे हफ्ते में एक दो बार पढ़ा लेते हैं, और बाकी समय हम ही लोग पढ़ते हैं। अभी अध्यापन व्यवस्था के तहत 2 टीचर की व्यवस्था करेंगे, आज ही कर देंगे उसको। 2 टीचर का ट्रांसफर हो गया इसलिए प्रॉब्लम आई है, बट अभी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे उसको। और ज्यादा जानकारी के साथ द्वारा सुनता रेखराज साहू फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रेखराज, शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है स्कूल, ऐसे में छात्रों को ही परेशानी हो रही है, क्या मौजूदा हालात वहाँ पर देखने को मिले हैं, और साथ में जो छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है उसका असर क्या वाकई देखने को मिल रहा है? और जी बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग जो है स्लोगन तो देती है कि स्कूल आ पढ़े बर और जिंदगी ला गढ़े बर। इसका जमीनी हकीकत कुछ और है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दूसरी तरफ फोन लाइन पे बीएल कुर्रे जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं जो कि, बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए जी। जी आपके संज्ञान में बात होगी कि महासमुंद में जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है स्कूल, छात्राओं को परेशानी हो रही है, और खुद छात्राओं ने स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से ये सार्वजनिक तौर पर ये बात कही है कि हमें परेशानी हो रही है, काफी समय से वो शिकायतें कर चुके लेकिन नतीजा नहीं निकला, क्या कहेंगे? कहाँ का है मैम, कहाँ का, कौन से स्कूल का है? हमारे संवाददाता भी दूसरी तरफ ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो पूरे स्कूल की जानकारी आपको दें। मैडम हाँ, रेखराज जी पूरा पूरा स्कूल का जो मौजूदा हालात है वो जरा बताने की कोशिश कीजिए, और ये स्कूल कहाँ पर मौजूद है? जी पूरा मामला जो है महासमुंद जिले से 50 किलोमीटर दूर सिरपुर क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल अमलौर का है, जहां पर विगत 2 वर्षों से शासकीय हाई स्कूल जो है शिक्षक विहीन है, बच्चों को पढ़ने के लिए न ही उचित भवन की व्यवस्था किया गया है। झोपड़ में बता रहे हैं बच्चे जो है वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ना ही शिक्षक की वहां पर नियमित रूप से व्यवस्था हुआ है। पूर्व में मिडिल के जो शिक्षक थे वो वहां पर हाई स्कूल में शिक्षा दे रहे थे, लेकिन अभी उन लोगों का ट्रांसफर हो गया है, इस कारण जो है अभी पूरी विद्यालय शिक्षा विहीन है। ये पूरा मामला जो है जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर सिरपुर क्षेत्र के अमलौर शासकीय हाई स्कूल का है। जी 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 सर, सुना आपने? हाँ बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपने जो बोला कि झोपड़ में लग रहा है, बेबुनियाद निराधार बात है। आपको बताना चाहूंगा, आप भी मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ एक अंग है उसका। शिक्षा व्यवस्था पहले हमारा मध्य प्रदेश से संचालित होता था, अभी 2 साल पहले मिडिल स्कूल का उन्नयन किया गया, और उस आदेश में स्पष्ट ये रहता है कि जब तक से भवन और टीचर की व्यवस्था नहीं हो जाती वहाँ का मिडिल स्कूल का प्रधान पाठक प्रभारी रहेगा। वहाँ पे 5 टीचर थे, 2 टीचर का ट्रांसफर हो गया, 2 टीचर की हमने व्यवस्था कर दिया। तो ये जो बातें हैं कि महासमुंद जिले में इस बात को तो कम से कम आपको मान ही लेना चाहिए, बाकी की जो सुविधाएं हैं उन सब पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन इस बात को तो कम से कम आपको मान लेना चाहिए कि वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। मेरी बात सुनिए कुर्रे जी, शिक्षकों की कमी है, इस बात को मानेंगे आप? नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना, वहाँ आप कितनी बार वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुँचे कुर्रे जी? हम कई बार गए हैं मैम, कई बार गए हैं। वहाँ पे 5 टीचर थे, 2 टीचर का अभी इसी साल ट्रांसफर हुआ, इसलिए प्रॉब्लम आया।
जी पूर्वी जी, मैं आपको बता दूं, जी बिल्कुल, शायद आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ उस स्कूल के हालात खराब है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वराज एक्सप्रेस की टीम मौके पर पहुंची थी, वहाँ मौजूद जो स्कूल में छात्राएं पढ़ रही हैं उनसे भी बातचीत की थी, और उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस बात को कहा है कि उन्हें परेशानी हो रही है, शिक्षक पढ़ा नहीं रहे जो कि है ही नहीं, और दूसरी चीज बोर्ड जो परीक्षा है दसवीं की जो परीक्षा आने वाली है उसकी तैयारी कराने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। पर अगर आप इस बात को नहीं माने तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी कि वो आपको उस छात्रा की भी ऑडियो सुनाए और आप ये ऑडियो आप तक पहुंच जाए। मैडम सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैंने आपकी बात सुन लिया है और छात्राओं की भी बात सुन लिया है, छात्राएं मेरे पास भी आए हुए थे, लेकिन अभी तो आप मान ही नहीं रहे थे, अभी तो कुछ देर पहले आपने कहा कि शिक्षक हैं वहाँ पे, ऐसी कोई असुविधा की कोई बात ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ पे 5 टीचर थे, 2 टीचर का ट्रांसफर हुआ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना, अभी वर्तमान में 3 टीचर है, 2 टीचर की हमने व्यवस्था कर दिया, 5 टीचर है वहाँ पे। तो क्या आप मानेंगे कि 2 टीचर में काम हो जाएगा? बोर्ड की परीक्षा करते हैं बच्चे, 2 शिक्षकों से काम चला लेंगे? नहीं, मैं आपकी बात को क्यों मानूं, जब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे 5 टीचर थे, 2 टीचर का ट्रांसफर हुआ, 3 टीचर बच गए, 2 टीचर की व्यवस्था हमने कर दिया। अब 5 टीचर है वहाँ पे, रहा सवाल भवन की जो बात है, भवन का प्रस्ताव शासन को गया हुआ है, जब भी भवन प्रस्तावित होगा बनेगा वहाँ पे, अभी मिडिल स्कूल में संचालित हो रहा है। चलिए ठीक है, तो फिर बच्चे धरना देने के लिए क्यों उतारू हो गए? कोई धरना वरना नहीं है मैडम, अपनी क्या बन देने के लिए आए? बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप जरा इस ऑडियो को भी पहले सुन ले, फिर मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी। मैं बता रहा हूँ, नहीं आप पहले सुन लीजिए कि वहाँ की मौजूदा छात्राएं क्या कह रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी कि वो एक बार ऐसी पढ़ाते हैं, हफ्ते में एक बार दो एक दो पीरियड होता है। हाँ भाई, बाकी समय हम खुद पढ़ते हैं, सर सर की मांग तो कई बार कर चुके हैं, कोई तो हमारा मदद नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं चलता है। और ऐसी है हाई स्कूल के, मतलब मिडिल स्कूल के टीचर लोग हाई स्कूल में ना ऐसे हफ्ते में एक दो बार पढ़ा लेते हैं, और बाकी समय हम ही लोग पढ़ते हैं। अभी अध्यापन व्यवस्था के तहत 2 टीचर की व्यवस्था करेंगे, आज ही कर देंगे उसको। कुर्री जी, छात्राओं की आवाज सुनी आपने? मैडम मैंने सब चीज मुझे मालूम है, सब चीज मुझे मालूम है, वो छात्राओं को जो बताया गया है वही चीज बोलते हैं, उनको नहीं मालूम है व्यवस्था के बारे में, परेशानी होगी तो बोलेंगी ना, वही सब बोल रहे हैं वो, मुझे सब मालूम है। तो क्या छात्राएं झूठ बोल रही है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ, जो बताया गया वही चीज बोल रही है ना, वो जो उनको सिखाया गया जो बताया गया वही चीज बोल रही है। कुर्री जी, बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये आके खड़ी हो गई है कि आप इस चीज को मान ही नहीं रहे हैं, और जब अव्यवस्था आप मानेंगे ही नहीं तो वो सुधरेंगे कैसे? आप तो ये मान ही नहीं रहे, तो सुधरने की तो हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं। नहीं, हम क्यों मानेंगे भाई आपकी बात को, आप कुछ भी बोलेंगे हम क्यों मान लेंगे? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वहाँ पर जायजा लिया और छात्राओं से पूछताछ की है, तब उन्होंने ये बोला। पूछताछ कर लीजिएगा, वहाँ पे टीचर की व्यवस्था कर दिया गया है वहाँ पे। तो फिर एक बार, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ में मैं आपसे कोशिश करती हूँ कि आप एक बार जरूर जायजा लेने के लिए पहुँचिएगा जरूर, और ये पूछिएगा छात्राओं से कि किस बात पर वो धरना देने जा रहे हैं, किस बात पर वो। सुनिए, मेरी एक निवेदन सुन लीजिएगा, मैं वहाँ का जिला का प्रमुख हूँ, मुझे खुद अपने दायित्वों के बारे में मालूम है, मेरा टीम, मैं स्वयं जाते रहता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है हल करते रहते हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन कुर्री जी बड़े अफसोस की बात है कि अगर आप इस चीज को, इन अव्यवस्थाओं को मान लेते तो कम से कम ये उम्मीद की जा सकती थी कि हालात बदलेंगे, लेकिन आप इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि वहाँ पर अव्यवस्था है। बहरहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ स्वराज से बता रेख हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर शहडोल से, जहाँ